हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो हम सीखेंगे डिप्रेशन होने के कारण क्या होते हैं, कि कौन से रीजन से कोई भी पर्सन डिप्रेशन में जाता है, फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और किस तरह से हम ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इलाज कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो सीखेंगे डिटेल में आज के लेक्चर में। तो डिप्रेशन मतलब कि जिसको हिंदी में अवसाद कहा जाता है, तो इसके संबंधित जो भी विकार आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये होने के कारण, लक्षण और उपाय वगैरह का डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मर ऑक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के ऊपर। अब आप डिसीजन मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी एक्सेस कर पाओगे फार्मर ऑक्स की ऐप पर, वो भी एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो भी डाउनलोड करिए एप्लीकेशन फार्मर ऑक्स और सीखे अलग अलग मेडिसिन के बारे में, अलग अलग डिसीज और उनके इलाज के बारे में। तो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स एप्लीकेशन। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप समझते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन जो है वो एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारी है, कि जैसे अलग अलग बीमारियां होती है, तो अलग अलग जो बॉडी की सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारी होती है, कि जो समझो कि लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसऑर्डर से। यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते तो हम उसको UTI कहते हैं, कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। फिर उसी तरह से लंग्स वगैरह के रिलेटेड है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो GI ट्रैक रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर हो गए। तो अलग अलग बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग टू बीमारियां होती है। तो ये एक हमारे ब्रेन से जुड़ा हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि एक जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, तो मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक डिसऑर्डर है। और इसको हम कैरेक्टराइज किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें एक जो सेंटर में एक पॉइंट है वो है मूड, कि पर्सन का जो मूड है वो बदलता रहता है। कि कई बार समझो कि सैड मूड में है, तो अचानक से फिर मूड उसका हैप्पी भी हो सकता है। तो जिस सोच में वो ज़्यादा रहता है, कि समझो कि सैडनेस वाला ज़्यादा सोचता रहता है, तो उसका मूड जो है वो सैडनेस वाला रहेगा। और अगर वो समझो कि हैप्पीनेस की ओर सोचता है, तो फिर वहाँ पे हैप्पीनेस की ओर बढ़ेगा। बट ज़्यादातर मूड जो है वो उनका सैड रहता है, कि जिसको हम कहते हैं डिप्रेस मूड। कि किसी भी पर्सन के अंदर दो टाइप के मूड जो है वो स्विंग हो सकते हैं, एक तो हैप्पी वाला मूड हो सकता है और दूसरा सैड वाला मूड। तो आप जिस दिशा में आगे बढ़ते, कि आप सैड वाली थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं, तो आपका मूड जो है वो डिप्रेशन में जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपका जो मूड जो है वो हैप्पी वाला रहता है। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो डिसऑर्डर है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वाला जो पर्सन होता है उसके अंदर जो मूड की हम बात करें, तो हमेशा डिप्रेस रहता है, सैड वाला मूड रहता है। और उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है एक्टिविटीज़ के अंदर, कि जो अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है रूटीन लाइफ की, उसमें धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है। और ये फिर आगे जाके रीज़न बनता है जो हमारी लाइफ जो होती है डेली लाइफ, उसमें जो इम्पेयरमेंट होना, कि रूटीन लाइफ स्टाइल में चेंज होना, वो एक रीज़न बनता है अगर आपके मूड जो है वो बदलते रहते हैं, कि जिसको मूड स्विंग भी कई बार हम कहते हैं। तो ये जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर या फिर जल्दी से डायग्नोस होना जरूरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना जरूरी है। कि जो भी पर्सन डिप्रेशन जैसा फील करता है, ऐसे उसको थिंकिंग आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग्स ज़्यादा आ रही है, चिंता हो रही है, तो तुरंत उसको इलाज होना जरूरी है डायग्नोसिस होके, और प्रॉपर राइट ट्रीटमेंट जो है वो उनको मिलनी चाहिए, कि जिससे उनकी लाइफ है वो फिर से इम्प्रूव हो जाए। तो आगे समझते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है, कि जिसके अंदर पर्सन के जो मूड है वो अचानक से एलिवेशन हो जाते हैं, मतलब कि अचानक से मूड जो है वो लो हो जाएगा या फिर मूड हाई हो जाएगा। और ऐसे व्यक्तित्व को हम बायपोलर भी कहते हैं, कि बायपोलर में कई बार इस तरह से आप ये जो देखो कि अचानक से थिंकिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, कि जो बायपोलर के जिसे हम कहते हैं कि सिक्के की दो बाजू होती है, उसी तरह से मूड स्विंग होते हैं बायपोलर डिसऑर्डर्स वाले
लोगों के अंदर कि अचानक से काफ़ी सैडनेस आ जाती है या फिर अचानक से हैप्पीनेस या फिर तुरंत फिर से सैडनेस में भी वो जा सकते हैं, तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो उसके टाइप्स क्या है कि अलग अलग टाइप के डिप्रेशन जो है वो देखे जाते हैं। एक डिप्रेशन का टाइप ऐसा है कि जिसको कहा जाता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसका मतलब होता है कि ये थोड़ा माइल्ड होता है बट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है, क्योंकि लंबे समय तक पर्सन जो उससे डिप्रेशन में रहते हैं कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही तो लंबे समय तक वो डिप्रेशन में रहेगा। फिर उसका दूसरा कंडीशन है बाइपोलर डिसऑर्डर कि जिसके अंदर मूड स्विंग्स होते रहना, कि अचानक से मूड स्विंग हो जाना, कि जैसे कॉइन जो हम बात करते हैं कि कॉइन की होती है दो साइड, कि सिक्के की दो बाजू, तो सिक्के की दो बाजू की तरह ही पर्सन का मूड है वो स्विंग होता रहता है। कि अगर आपके पास साथ उसकी बातचीत हो रही है तो अचानक से उसका रवैया है, उसका जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो जाए। कि पहले समझे कि आपसे अच्छे से बात कर हो रही थी तो अचानक से उसका मूड स्विंग हो जाके ऐसे कुछ आपसे मतलब कि झगड़ा हो जाए अचानक से, या फिर किस कोई भी ऐसी बात जो है वो आपसे वो कर सकता है कि जिससे आपको पता चले कि उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा जो है वो एक सिम्टम है। तो कई बार डिप्रेसिव हो जाते हैं, लो से काफ़ी हाई मैनिक की जो कंडीशन है वो उनके अंदर देखने को मिलती है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। फिर बाइपोलर टाइप टू डिसऑर्डर के जिसके अंदर क्या रहता है, हाइपोमैनिक एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, कि जिसके अंदर ये लेस सीवियर कंडीशन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर से थोड़ा कम सीवियर कंडीशन उसको हम कह सकते हैं। और चौथा जो है वो पोस्ट नटल डिप्रेशन, मतलब कि कई बार कुछ लोग चाइल्ड बर्थ के बाद कि प्रेगनेंसी के बाद समझो कि जो चाइल्ड या फिर बेबी को बर्थ देने के बाद भी कुछ जो है वो डिप्रेशन जैसा जो है वो फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, चिंता जैसे फील करते हैं, तो उसके कारण भी कई बार डिप्रेशन में जाते। तो ये चार ऐसे मेजर टाइप है कि जिसको हम डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार कहते हैं। अब समझते हैं रीज़न कि कोई भी पर्सन डिप्रेशन में क्यों जाता है, कौन से ऐसे कंडीशंस बनती है लाइफ में या फिर कौन से ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो पहला एक रीज़न है कि स्ट्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉप में जो कोई हम बात करें तो लाइफ में रहा स्ट्रेस। कि अभी जो हम बात करें कि जो आधुनिक लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हमारी है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस वगैरह फील करते हैं। तो स्ट्रेस आपकी लाइफ में है कि आपके जो लाइफ है, आपके जो रिलेटिव्स वगैरह है, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे स्ट्रेस का माहौल है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा स्ट्रेस है। कि जैसे हमारी लाइफ के अंदर दो टाइप के हमारे प्लेस बन सकते हैं, कि एक प्लेस बनता है कि जो हमारा घर है, और दूसरा कि जब वहाँ पे हम जो है वो काम करते हैं। कि स्टूडेंट है तो उनके लिए कोई स्कूल हो जाएगी, या फिर स्टूडेंट लाइफ में दूसरी तरह से कॉलेज वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से कि दो कि आप घर जाते हैं तो घर पे ऐसा कुछ माहौल है तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेस है तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह पे आप जाते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज वगैरह है, आपका वर्क प्लेस है, तो वहाँ से भी आपको डिप्रेशन जो है वो आ सकता है। कि अगर कोई ऐसा माहौल है वहाँ पे, सेकंड मॉडिफिकेशन इन लिविंग अरेंजमेंट, कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं रहने के, ऐसे कुछ माहौल क्रिएट हुए कि जिसके कारण जो आप जो है वो डिप्रेशन जैसा फील करते हैं। अचानक से कोई ऐसे इमोशनल शॉक हुआ है लाइफ के अंदर कि किसी भी टाइप के जो हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी जो हम बात करें तो उसमें कोई भी ऐसा इमोशनली आपको कोई ब्लैकमेलिंग जैसा हुआ है, या फिर इमोशनली आपको कोई ऐसी बातें कह रहा है, कोई ऐसे इमोशनली टॉर्चर हो रहे हैं आप, तो भी एक इमोशनल शॉक के कारण भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। फिर कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है लाइफ में, या फिर ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट कि जैसे कोई ट्रॉमा की जो हम बात करें कि कोई एक्सीडेंटल अचानक से कोई ऐसा इवेंट बना है, कोई ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन देखने को मिली, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और आपने कुछ ऐसी कंडीशंस कुछ देख ली, कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देख लिया, तो भी आप जो है वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर जो डेथ हो जाती है कई बार जो लव वन हमारे होते हैं कि जिनसे आप बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके अचानक से जो है उनको खो देना,
उनकी डेथ हो जाना या फिर किसी भी तरह से आप जो है उनसे दूर हो जाते हैं, तो भी पर्सन डिप्रेशन जो है वो फील करता है। फिर एंजाइटी, किसी भी चिंता की, किसी भी चीज़ की आपको चिंता कि आपको समझो कि कोई स्टडी रिलेटेड आपको चिंता है, आपकी जॉब के रिलेटेड आपको कोई चिंता है, फिर आपके फैमिली के रिलेटेड किसी भी टाइप की चिंता है, फ्रेंड्स से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, लव रिलेशंस के रिलेटेड कोई भी आपको एंजाइटी या फिर चिंता वगैरह है, आपके करियर के रिलेटेड आपको चिंता है, तो ये सभी चिंताएँ भी डिप्रेशन का कारण बनती है। और फैमिली एंड रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम भी पर्सन को डिप्रेशन के अंदर धकेल सकते हैं। दूसरे कुछ रीजंस देखे कि वो बात की हमने कंडीशंस के रिलेटेड कि ये वाले जो डिप्रेशन है वो किसी भी कंडीशन के कारण होता है या फिर कोई ऐसे सिचुएशंस बनती है लाइफ के कारण। दूसरे अब रीज़न ये है कि कोई ऐसे मेडिकल कंडीशंस के कारण भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है, जैसे कि कोई क्रोनिक इलनेस, मतलब कि आप बहुत ही लंबे समय से बीमार थे, किसी बीमारी का आपके लिए इलाज चल रहा है, तो कई बार वो मेडिकेशंस के कारण या फिर वो बीमारी के टेंशन के कारण, चिंता के कारण भी पर्सन जो है वो डिप्रेशन जैसा फील करता है। इनसोम्निया की कंडीशन, मतलब कि पर्सन को रात को लेट तक जो है वो नींद नहीं आती, रात को लेट तक, यहाँ पे आप देखो कि घड़ी के अंदर जो है वो मिडनाइट जैसा टाइम हो रहा है फिर भी पर्सन को जो है वो नींद नहीं आ रही है, तो एक अनिद्रा की जो बात हम कहते हैं कि नींद न आना, वो भी एक बार रीज़न बनता है कि पर्सन आगे जाके डिप्रेशन फील कर सकता है। क्रोनिक पेन, कि आपके जो हार्ट के अंदर या फिर आपके बॉडी के अंदर, कि जो हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी तरह से ऐसा हार्ट ब्रेक जैसी कोई कंडीशन हुई थी, कि जो हम बात करते कि ऐसे कोई रिलेशंस के दौरान ऐसा, तो ऐसे क्रोनिक पेन भी रीजंस बनते हैं कई बार। कि जो मेडिकल कंडीशंस के तौर पे देखें तो कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी है या फिर बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली कोई पेन वगैरह हो रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है वो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी आगे जाके डिप्रेशन में जा सकते हैं। ब्रेन का आपका ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपका जो फ्रंटल लोब है ब्रेन का वो प्रॉपर एक्टिव नहीं है, तो भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि जो चाइल्डहुड जो हम कहते हैं कि जो बचपन होता है, कि बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ था आपके साथ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट बना है आपके पास, आपके साथ आपकी लाइफ में बचपन में, तो वो फिर आप जल्दी से भुला नहीं सकते और उसको आप बार बार सोचते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक रीज़न बनता है डिप्रेशन के। तीसरे कुछ रीजंस देखे तो वो है ब्रेन की केमिस्ट्री, के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं तो वो फिर आगे जाके आपको डिप्रेशन करवा सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो फंक्शन है वो ब्रेन में चेंज होना, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री में समझे कि किसी को डिप्रेशन है, तो आगे जाके समझे कि डिप्रेशन रिलेटेड ऐसे जीन्स आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं ये पूरी फैमिली ट्री में से, तो भी पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। फिर आप जो है वो ड्रग्स कंजम्प करते थे या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, कि जो हम कहते हैं कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, तो वो भी आगे जाके डिप्रेशन में जा सकते हैं। या फिर एडिक्शन समझे कि ये दो चीज़ का ही नहीं, किसी भी चीज़ का आपको एडिक्शन है आपकी लाइफ के अंदर, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है या फिर कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है उसका आपको एडिक्शन है, और वो समझो कि आपसे अचानक से दूर हो जाते हैं, तो भी पर्सन जो है वो डिप्रेशन जैसा फील करता है, लोनलीनेस फील करता है, तन्हाई सी फील होती है, और वो आगे जाके डिप्रेशन का रीज़न बनते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस पे रीज़न बनता है डिप्रेशन के लिए, और जीनेटिक्स एंड जीन्स, तो ये सभी रीज़न है डिप्रेशन के। सिम्टम्स हम देखें तो पर्सन जो है वो सैडनेस फील करता है, काफ़ी सैड फील करना, एम्प्टीनेस जैसा फील करना, कि जो हम कहते हैं कि लोनलीनेस है, तन्हाई वगैरह है। टीयरफुलनेस, मतलब कि अचानक से आपको रोना आ जाए। होपलेसनेस, मतलब कि आपके कोई भी आशा नहीं बची लाइफ में, कोई भी होप नहीं है, ऐसा फील करते हैं। तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, टीयरफुलनेस, एम्प्टीनेस एंड होपलेसनेस। फिर कई बार क्या होता है कि उनको गुस्सा आ जाता है फिर, या फिर इरिटेट हो जाएंगे जल्दी से, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कि फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। स्लीप उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, कि जो एक समझो कि नॉर्मल हम बात करें तो आप जो है वो समझो कि रात को 10 बजे सो जाते हैं, या फिर आप समझो कि 10 से 12 के बीच में आप जो है वो रात को सो जाते हैं प्रॉपरली, और 8 घंटे की नींद लेने के लिए आप जो है वो सुबह उठ जाते हैं,
एटलीस्ट 8 बजे आप उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं चलो, या फिर 8 बजे से उठते हैं, कि अगर आप 10 बजे से उठते हैं, 10 से 12 के बीच में, तो आप 6 से 8 के बीच में जो है वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं। बट अगर स्लीप डिस्टरबेंस कैसे हो कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आप जो है वो रात को 3 बजे तक जो है वो जागते रहते हैं, और अगर आपको ऐसे जॉब करते हैं, आपको स्कूल जाना होता है या फिर आपके रूटीन घर के काम है, तो उसके लिए आपको समझो कि किसी भी तौर पे 7 बजे आपको उठना पड़े या फिर 8 बजे उठना पड़े, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चलो आपको 9 बजे तक तो उठ ही जाना पड़े कि जिससे आप नेक्स्ट डे का आपका रूटीन काम अच्छे से कर सको। बट अगर डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या करेगा कि रात को 3 बजे तक जागता होगा, 4 बजे तक जागता होगा, और फिर सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होगी और जल्दी ना उठ पाए, तो 3 बजे सोया हुआ पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा फिर दूसरे दिन एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेता है, तो वो कितने बजे उठेगा आप सोच लो। तो वो दूसरे बजे 11 बजे के आसपास उठेगा या फिर 12 बजे के आसपास उठेगा, 12 PM को। तो फिर उससे उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है कि अगर कोई जॉब पे टाइमिंग पे जाना है तो वो नहीं जा पाएंगे, डेली रूटीन के कुछ काम है कि कुछ खाना बनाना है या फिर जो भी आपके रेगुलर काम है वो नहीं कर पाओगे, और तीसरा कॉलेज वगैरह भी जाना होगा तो भी आप वहाँ पे ना जा पाओगे, जिससे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये एक सिम्टम देखने को मिलता है। चौथा हम देखें तो स्लीपिंग टू मच, फिर अगर रात को जागता रहता है पेशेंट तो फिर दिन में पूरा दिन जो है वो सोता रहेगा, या फिर रात को भी सोता रहेगा उसी तरह से, या फिर नींद उड़ जाना, लॉस ऑफ स्लीप, कि चाहे बहुत ज़्यादा सोता रहेगा या फिर बहुत कम सोएगा वो प्रॉब्लम होता है, डिजीनेस जैसा फील करता रहता है पूरा दिन, कि अगर समझे कि रात को नींद पूरी ना हो तो भी पर्सन डिजीनेस फील करते हैं, और स्लो थिंकिंग, थिंकिंग पावर जो है वो कम हो जाना, और बोलना जो है वो उनका दिला थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्लो बोलेंगे, या फिर बॉडी मूवमेंट भी उनकी जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, कि जिससे आप एक बार उनके पर्सनालिटी से भी ऐसा फील कर सके कि वो पर्सन शायद डिप्रेशन में दिख रहा है। फिर दूसरे उसके सिम्टम्स हम देखें तो हार्ड टू ब्रेथ, कि ब्रीथिंग करने में कई बार आप प्रॉब्लम हो आपको, और सोने में भी फ्रेंड हो, और कंसंट्रेट कर ना पाओ अपने वर्क पे भी। आप समझो कि जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, कॉलेजियन है, तो भी आपका जो भी काम है उसके ऊपर आप प्रॉपर कंसंट्रेट ना कर पाओ, तो ये एक इश्यू डेवलप होता है कि अगर पर्सन डिप्रेशन में होता है। नर्वस काफ़ी फील करते हैं डिप्रेशन वाले लोग, रेस्टलेस फील करते हैं, और टेंस, मतलब कि टेंशन रहता है उनको हर पल, रेस्टलेस मतलब कि थकान ही ना होती हो, पूरे दिन तक जागते रहे, रात तक जागते रहे, नर्वस फील हो तो वो सब फील करते, कई बार पैनिक हो जाते कई बार, या फिर उनको फियर रहता है, डर रहता है किसी भी चीज़ का, सोशल एंजाइटी भी फील करते, मतलब कि किसी पब्लिक प्लेस में जाने से भी वो डरते हैं, डिजीनेस जैसा फील होता है कि समझो कि 10 या 15 लोगों के बीच में आपको कुछ बोलना है, 50 लोगों के सामने बोलना है, 100 लोगों के सामने बोलना है, या फिर सिंपल 5 या 10 लोगों के बीच में भी बोलना हो तो भी वो अच्छे से ना बोल पाए। फिर फीलिंग वीक और टायर्ड, कई बार वीकनेस फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, पसीना आता रहता है उनको, हार्ट रेट कई बार इंक्रीज हो जाते हैं, और उनकी जो वरी है, चिंता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप देखो तो कई बार वो गिल्टी जैसा फील करते हैं अपने अंदर, उनकी एपेटाइज चेंज हो जाती है, स्लीप में प्रॉब्लम होता है, हेल्पलेसनेस, कि ऐसा फील करते कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे होप ही नहीं बची है, या फिर कोई इससे कोई हेल्प करेगा या नहीं, ऐसा फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं अपने आप को, कई बार गुस्सा आ जाता है उनको, कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, और मतलब कि मरने के विचार आते हैं, कि थॉट ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, एनर्जी लॉस जैसा फील करते हैं, और अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़ भी कई बार वो हो जाते हैं डिप्रेशन के कारण, या फिर वाइस वर्सा, अल्कोहल या ड्रग एडिक्टिव है तो डिप्रेशन में जाएगा, या फिर डिप्रेशन के रीज़न से, या फिर जो चिंता है उसके रीज़न से भी कई बार वो ड्रग एडिक्ट या फिर अल्कोहल एडिक्ट बन सकते हैं। दूसरे सिम्टम देखें तो कई बार बैक पेन होना, सर दर्द होना, एनजाइटी मतलब कि चिंता, एजिटेशन होना बॉडी के अंदर, कि जो ट्रैम्बलिंग कहते हैं, कंपारी आना बॉडी के अंदर, कि आपके हाथ जो है वो ध्रुजने लगते हैं, पाँव ध्रुजने लगते हैं, हार्ट बीट आपके जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाना, स्टमक में अपसेट जैसा फील करना, या फिर जो बटरफ्लाई जैसा
महसूस करना, आपके स्टमक के अंदर पसीना आता रहता है, मसल्स के अंदर टेंशन जैसा फील होना, ब्लूसिंग जैसा फील करते हैं, लाइट हेडेडनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग भी कई बार हो जाती है, रेगुलर एक्टिविटीज़ में से मन आपका दूर होता जाता है और आप जो है वो जैसे कि दुनिया से काफ़ी दूर है ऐसा जो है वो फील करते हैं डिप्रेशन में। तो ये हो गए सिम्टम। उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पर्सन के ऊपर? तो एक तो सोशल विड्रॉल, कि सामाजिक दूरी हो जाती है आपकी, कि जो आपका समाज है, आपका जो भी आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे आप ऐसा फील करते कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, कोई जिसको हम कहते हैं सोशल विड्रॉल, या फिर सामाजिक दूरी हो जाती है आपकी रिश्ते या फिर रिश्तेदारों से। ट्रबल एंड स्लीपिंग, कि सोने में आप जो है वो डिफ़िकल्ट फील करते हैं, इंसोम्निया फील करता है पेशेंट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उनको हो जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो जाता है, कि जो बाउल प्रॉब्लम हम कहते हैं, हेडेक होता रहेगा आपके बॉडी के अंदर, क्रोनिक पेन होता रहेगा, लंबे समय तक बॉडी के अंदर पेन होते रहे, सोशल आइसोलेशन आपका हो जाए, फिर और जो फंक्शनिंग जो होते हैं कि स्कूल या फिर वर्क प्लेस या फिर कॉलेज वगैरह में प्रॉपर फंक्शन ना कर पाओ, क्वालिटी आपकी जो लाइफ की है वो काफ़ी पुअर हो जाएगी जिस सभी के कारण, और जो मरने के ख्याल आते हैं सुसाइड वगैरह के, तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन बनता है कि अगर पर्सन डिप्रेशन में है तो तुरंत उसका अच्छे से इलाज होना जरूरी है। तो इलाज करने के लिए पहले जरूरी है कि उसका डायग्नोसिस करना। तो डायग्नोसिस जो है वो सबसे पहले हो जाती है बातचीत से, कि अगर आप डिप्रेशन वाले पर्सन के साथ बातचीत करते हैं तो पर्सन के साथ जो है वो बातचीत करके एक डिप्रेशन का जो है वो पता चलता है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स, कि आप उससे बातचीत करते हैं तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे जो आपको पता चलेगा साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर। प्रॉपर उसके पेशेंट काउंसलिंग आप करते हैं तो भी उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। फिर ये तो होगा उसके सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस या फिर उसकी बातों पर से आप पता लगाओ, बट एग्जैक्ट रीज़न के लिए फिर आप ब्रेन के रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जैसे कि MRI करना जरूरी रहता है और CT स्कैन वगैरह भी परफॉर्म करना किया जाता है, फिर कई बार ब्लड टेस्ट भी कई बार करते हैं डायग्नोसिस के लिए, रीज़न पता लगाने के लिए। और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है तो हार्मोनल ऐसे या फिर टेस्ट भी किया जाता है कि जिससे पता चले कि डिप्रेशन का रीज़न क्या था। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो डिप्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट हो सकता है, तो मेडिकेशन से तो ट्रीट होता है, बट मेडिसिन दो एक ऑप्शन रहते हैं, एक तो मेडिटेशन करो या फिर मेडिकेशन, दोनों आपके लिए ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बहुत अलग अलग रीजंस है या फिर बहुत सारे रास्ते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के, कि सभी की लाइफ में जो है स्ट्रेस होता है, एवरीवन हैव ए स्ट्रेस एंड टेंशन इन लाइफ, बट मेक योरसेल्फ बिजी इन योर वर्क एंड लाइफ। बट हमेशा आपको बिजी रहना चाहिए आपके काम के अंदर और आपके रूटीन लाइफ के, बिकॉज अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग टू सभी को थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लेता है अपनी लाइफ के अंदर, टेंशन भी सभी को होती है, बट आप अपने आप को ऐसे काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था और आपको जो है वो आप अपने आप को ऐसा बिजी बना दे अपने काम के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, कि जिससे डिप्रेशन वाले कोई भी सोच आपके अंदर नहीं आएगी। आपकी लाइफ में जो है आपको पॉजिटिविटी एंटर करनी है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि जिससे डिप्रेशन से आप बच सकें। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप देखो क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छे से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, कि आपकी पसंदीदा जगह पे आप प्रॉपर एक ट्रैवल प्लान करें, कि 15 दिन का ट्रैवल प्लान करें, 1 मंथ का ट्रैवल प्लान करें या फिर 1 वीक का प्लान करें अच्छे से। फिर दूसरा कम्युनिकेशन, कि बातचीत करने से ही हमेशा मसले सॉल्व होते हैं, तो डिप्रेशन होने का जो कोई रीज़न है तो वो रीज़न का पता लगने के बाद या फिर जो जिस चीज़ की आपको चिंता सता रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, बातचीत होना। तो बहुत सारे जो लाइफ में हमारे इश्यूज होते हैं वो कम्युनिकेशन से सॉल्व होते हैं, बातचीत से मसले सॉल्व होते हैं, बातचीत करने से जो इश्यूज वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है, तो वो करना चाहिए। फिर म्यूज़िक थेरापी एक बनता है, कि म्यूज़िक थेरापी से भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो ये एक है। फिर क्रिएटिविटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, कि किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है तो वो क्रिएटिविटी कर सकता है, ड्राइंग का आपको कोई शौक़ है तो वो आप करो, फिर जो भी आपके माइंड के अंदर आपकी क्रिएटिविटी, आपको कोई स्केच बनाना पसंद है,
आपको कोई कुकिंग के अंदर काफ़ी आपको इंटरेस्ट है तो उसमें कुछ अच्छे से लग जाइए। जो भी कुछ क्रिएटिव काम आप है वो कर सकते हैं कि जिससे आप डिप्रेशन से बच पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग लाना शुरू कर दे आप, फिर प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले, योगा कर सकते हैं और अच्छे से जो है वो बात लेना चाहिए कि जिससे टेंशंस जो है वो दूर रहे। फिर मेडिकेशंस में तो एंटी डिप्रेशंस दवाइयाँ है ही, आप डॉक्टर से प्रॉपर डायग्नोस करवा सकते हैं, उनसे जो है वो अपना पेशेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं और साथ में विटामिन्स वगैरह भी प्रॉपर ले सकते हैं कि जिससे डिप्रेशन दूर रहे। प्रॉपर लाइफ में एक शेड्यूल बनाएं कि जिससे आप वो शेड्यूल के अंदर जो है वो बिजी रहे कि जिससे नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ना हो। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखो कि जिससे आपको पता चलेगा कि दो टाइप के हमारे माइंड के अंदर थिंकिंग रहते हैं, कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रहती है और एक नेगेटिव थिंकिंग। तो अब क्या होता है देखो कि ये वाला जो पेड़ लगाया हुआ है, ये वाला जो आप ट्री देख रहे हैं कि इसको हमेशा नेगेटिव सोच ही मिल रही है, ऐसा उसको पानी मिल रहा है कि वो नेगेटिव सोच वाला पानी है। तो उससे आगे जाके उसकी कंडीशन क्या होती है देखिए, तो ये कंटिन्यूसली उसको नेगेटिव पानी मिला तो वहाँ पे उस जगह पे रहने से उसकी हालत देखो कैसी हो चुकी है, पूरा मुरझा गया है ये ट्री। बट उसके पास वाला जो दूसरा आप देखो कि जिसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिव पानी मिल रहा है, उसको जो पानी दे रहे हैं ऐसा दे रहा है कि वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला पानी मिल रहा है कि जिससे यहाँ पे आप देखो वो अच्छे से हरा भरा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर थिंकिंग से भी फर्क पड़ता है कि आप कंटिन्यूसली लाइफ में ऐसे ही सोच रहते रहेंगे तो आप डिप्रेशन में और ज़्यादा जा सकते हैं। कि समझे कि आपको कोई चिंता है, स्ट्रेस है, तो उसी के बारे में आप नेगेटिव सोचते ही रहेंगे तो आगे जबकि आपकी हालत ये होने वाली है। बट समझो इसे पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल के आप पॉजिटिव में जाओगे तो आगे जाके आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि मेडिसिन तो काम करेगी ही बट साथ में पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन में से बाहर निकलने के लिए। तो मेडिसिंस की मैं आपको बात करूँ तो पेशेंट काउंसलिंग जो है करते हैं आप किसी भी डॉक्टर के साथ या फिर जो साइकियाट्रिस्ट के साथ, तो उसको साइकोथेरेपी हम कहते हैं। तो साइकोथेरेपी पेशेंट की होती है, फिर जो ट्रीटमेंट की जाती है उसकी बातचीत से कि उसको पूछा जाता है कि आप किस रीज़न से आप डिप्रेशन में गए थे, तो वो डिप्रेशन में जाने का रीज़न समझो कि हम ख़त्म कर देते हैं तो पर्सन डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। मेडिकेशन उसको दी जाती है जो एंटी डिप्रेशन की जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिटालोप्राम है, अल्प्राजोलाम वगैरह है, एसिटालोप्राम वगैरह के जैसे एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है। फिर साथों साथ मेडिटेशन भी किया जाता है कि जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी आता है, योगा वगैरह आता है कि जिससे पेशेंट जो है वो मेडिटेशन के थ्रू या फिर म्यूजिक थेरापी के थ्रू जो है वो डिप्रेशन में से बाहर निकले। तो स्पेशली मॉडिफाइंग किए जाते हैं नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव एनर्जी निकाल के पॉजिटिव एनर्जी पेशेंट के अंदर डालने की कोशिश की जाती है कि जिससे वो डिप्रेशन में से बाहर आ जाए। फिर आप ऐसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनके भी जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उनके जो अलग अलग वीडियोज़ वगैरह होते हैं वो भी आप देखो कि जिससे आप, फिर ऐसे कोई मूवीज़ वगैरह देखो कि जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। कि ऐसे मूवीज़ देखनी चाहिए कि जिससे आप डिप्रेशन में से बाहर निकले और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आए कि जो अपने आप, स्पेशली कई बार क्या होता है कि आपके कोई गोल आप सेट कर दे हैं लाइफ का तो वो गोल अचीव करने में फिर आप लग जाते हैं। कि कोई ऐसी मोटिवेशनल मूवी वगैरह देखते हैं कि जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल मैं देखूँ बताऊँ आपको कि आप समझो कि एमएस धोनी वाला जो मूवी देखते हैं तो उससे आप देखो कि वो मूवी में भी काफ़ी चढ़ाव उतार आपको देखने को मिलते हैं एमएस धोनी की लाइफ में। बट जो एक गोल होता है उसके पीछे जब इंसान लग जाता है तो आगे जाके वो काफ़ी सक्सेस पाता है। तो ऐसे मूवीज़ देखें कि जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी दे, आपको कोई ऐसा गोल दे कि जिससे आप डिप्रेशन से बाहर निकले और अच्छे से अपने रूटीन काम कर पाए। तो अब मैं बात बताऊंगा आपको मेडिकेशंस की। तो मेडिकेशंस के लिए स्पेशली जो है वो एंटी डिप्रेशंस मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस रहते हैं। कि यहाँ पे आप लिखा है आरएक्स ओनली मेडिकेशंस रहते हैं ये। तो एक रहते हैं मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कि जिसको माओ इनहिबिटर्स कहा जाता है, जिसके अंदर सेलेगिलिन करके जो मेडिकेशन है वो यूज़ की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस में से इमिप्रामाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो इमिपरामाइन के जो पेस्ट टैबलेट्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब जताती है, एमिट्रिप्टिलाइन, और ये मेडिकेशंस खासकर पेशेंट ओडी वंस अ डे लेते हैं कि दिन में एक ही बार उनका लोअर डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। फिर ऐसे सारे इसके अंदर हम देखें तो फ्लुएक्सिटिन के टैबलेट्स वगैरह आते हैं, सर्टालिन वगैरह आती है। तीसरा हम देखें तो और टिपिकल एंटी डिप्रेशंस जैसे कि मेप्रोटिलाइन है और ट्राजोडॉन करके एक आता है मेडिकेशन, और मूड स्टेबिलाइजिंग ड्रग्स के अंदर लिथियम भी यूज़ होता है कि जो मैनिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है। आगे हम कुछ देखें कि जो डाइजेपाम्स है कि जिसके अंदर बेंजोडाइजेपाम्स के अंदर डाइजेपाम या फिर क्लोरडाइजेपेक्साइड करके जो मेडिकेशन है, ऑक्साजेपाम है, लोराजेपाम है, अल्प्राजोलाम है, फ्लोराजेपाम है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्प्राजोलाम, तो ये एक आरएक्स ओनली मेडिकेशन बनता है प्रॉपर, और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वो मेडिकेशंस दी जाती है। एजापायरोन्स के अंदर हम देखें तो बुसपिरोन करके ड्रग आती है, जेपिरोन करके आती है, इप्सापिरोन करके आता है, फिर सेडेटिव एंटीहिस्टामाइन्स में अंदर हाइड्रोक्सीजिन करके भी मेडिकेशंस आती है, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलॉल है, एसएसआरआईस के अंदर बहुत सारे है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंट्स है। तो एसएसआरआईस के अंदर हम देखें तो सिटालोप्राम है, डापाक्सेटिन करके है, डेपोक्सेटिन करके है, एसिटालोप्राम है, फ्लुएक्सेटिन है, फ्लुओक्सामाइन है, पेरोक्सेटिन है, सर्टालिन है एंड वर्टियोक्सेटिन। तो ये सभी मेडिकेशन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहे जाते हैं, कि जो ब्रेन के जो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो आपको चिंता करवाते हैं लंबे समय तक, एंजाइटी देते हैं, तो ये केमिकल के रिलीज कम करवाएगी ये मेडिकेशन। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटालोप्राम बहुत बार प्रिस्क्राइब की जाती है, एसिटालोप्राम भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, फ्लुएक्सेटिन प्रिस्क्राइब की जाती है, और स्पेशली ओडी मतलब कि वंस अ डे एक दिन में एक ही बार पेशेंट लेते हैं ये टैबलेट्स को। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट के अंदर एमिट्रिप्टिलाइन है, नॉरट्रिप्टिलाइन, प्रोट्रिप्टिलाइन करके है, क्लोमिप्रामाइन है, इमिप्रामाइन है, डेसीप्रामाइन है, ट्राइमिप्रामाइन, एमोक्सापिन, तो ये सभी एंटी डिप्रेशंस कही जाती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस, कि ये भी डिप्रेशंस जो है वो आपका कम करवाती है मेडिकेशंस, कि जो ब्रेन के ऐसे केमिकल्स की जो आपको चिंता देते हैं वो कम करके ये अपने काम करती है ये मेडिकेशन। तो ये मेडिकेशंस के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि जैसे कि एसएसआरआई के कारण कि आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो एंटी डिप्रेशंस जो है वो डिज़ाइन की गई है टू हेल्प एंड रिलीव द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अब एंटी डिप्रेशन क्यों बनाई गई है, तो उनका नाम ही है कि डिप्रेशन के सामने अपने एंटीडोट का जो काम करती है। तो जो सिम्टम्स है डिप्रेशन के वो सिम्टम्स को रिलीव करते हैं, कि जिससे ये मेडिकेशंस लेने के बाद पर्सन का डिप्रेशन कम हो जाता है। एसएसआरआईस की हम बात करें तो वो क्या करता है, जो मूड डिप्रेस होने के जो रीज़न थे, एंजाइटी जो चिंता थी, उसको इरेज कर देते हैं आपके लाइफ में से, एसिस कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर कुछ एंटी डिप्रेशंस क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं क्रोनिक पेन को और एंजाइटी डिसऑर्डर को, कि जिससे जो रीज़न ख़त्म हो जाता है। सेडेटिव्स क्या करते हैं, आपकी लाइफ में ड्रॉसीनेस लाते हैं लेने के बाद, कॉलमनेस मतलब कि जो शांति महसूस करते हैं आप, सेंसेस आपके जो है वो थोड़े डल हो जाते हैं, और कुछ उनके कारण कई बार कुछ लोग एडिक्टिव बनते हैं, बट सेडेटिव्स के कारण पेशेंट को जो है वो नींद आती रहती है, ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है, बट उनको शांति भी फील होती है उससे, कि जो डिप्रेशन से बहुत ही डिप्रेशन से है पेशेंट, तो सबसे पहले ज़रूरी कि मन की शांति होना, तो मन की शांति देते हैं ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मेडिकेशंस। फिर नर्व पेन मेडिकेशंस भी दी जाती है कि जो ब्लॉक करती है पेन जो डैमेज हुई नर्व्स से और बाय डैमेज नर्व्स, एंड एंजियोलाइटिक कि जो रिलीव करती है एंजाइटी, चिंता दूर करती है, टेंशन दूर करती है, और पेशेंट के अंदर जो है वो स्लीप मतलब कि नींद जलाती है, कि जिससे वो जो है वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो इसी तरह से अलग अलग डिसीजेस के बारे में सीखे, दवाइयों के बारे में सीखे, उनके यूज़ डोज साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, वार्निंग क्या वगैरह होती है, वो भी एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो डिसीज मेडिसिन के रिलेटेड कोर्स एक्सेस करिए, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्सेज के लिए, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर के लिए अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।